गर्भ संस्कार और प्रेगनेंसी वेलनेस के वीडियोस हमारे जारी ही है। हमारे दर्शक कभी कभी कहते हैं कि वीडियोस आप रेगुलरली पोस्ट करो। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, वीडियोस पोस्ट करने में थोड़ा लेट हो जाता है। देखिए, जब हमें आपके सामने बोलना होता है तो थोड़ा प्रिपरेशन, थोड़ी रीडिंग करनी भी थोड़ी ज़रूरी रह होती है। हम डॉक्टर हैं फिर भी थोड़ा स्पिरिचुअल टच भी चाहिए होता है, और थोड़ी पर्सनल साधना, मेडिटेशन और आशीर्वाद ये भी ज़रूरी होता है। इसीलिए बीच में मैं चार धाम भी हो आई, और हमारा ओपीडी का भी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल सा लगा रहता है, हमारे पुणे के लोग जानते हैं सब, तो चलिए हम इसका भी ख्याल रखेंगे। तो आज का टॉपिक भी थोड़ा आध्यात्मिक ही है। आज देखने वाला है कि प्रेगनेंसी में स्पिरिचुअल टच बाय साइंटिफिक ऑरा क्लियरेंस। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि अवारी, अमृत गर्भ संस्कार में आपका स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं औक्षण क्यों करें। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, पांच तत्वों से बना है, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और अंतराल। जब हम इन पांचों तत्वों की मदद लेकर शरीर को पॉजिटिव सजेशन देंगे तो इसका आप पर, आपके बेबी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, और वो भी एकदम असरदार तरीके से। नेचुरोपैथी में क्या होता है, इन्हीं पांच तत्वों पे काम किया जाता है। जैसे कि मड़ बात है, मिट्टी से स्नान, स्किन की प्रॉब्लम पे ये काम करता है। वाटर बात है, पानी से स्नान, पानी का इम्पोर्टेंस, वाटर टेक्निक, ये भी हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा है। वायु स्नान, नेचर की फ्रेश हवा में शरीर को एनर्जी मिलती है, एक चैतन्य मिलता है। आकाश स्नान, घर के बाहर खुले में जाओ, किसी पहाड़ी पे जाओ तो आकाश स्नान ही होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अग्नि स्नान, जो आज का हमारा टॉपिक है, इसे ही औक्षण, आरती उतारना कहते हैं। जब हम औक्षण करते हैं, दिए से आरती उतारते हैं, तो हमारा ऑरा क्लियर होता है, ऐसे साइंस भी कहता है। हमारे शरीर के 3 इंच से 9 इंच तक ये ऑरा मौजूद होता है, दिए के औक्षण से ये ऑरा भी शुद्ध होता है, ऐसे रिसर्च बताते हैं। हम मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है तो हम हर चीज़ के पीछे का साइंस ढूंढते हैं, तो देखते हैं ये साइंटिफिकली कैसे होता है। एनर्जी से जुड़ा न्यूटन का रूल तो हमें मालूम ही है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रादर इट ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ही हमारे प्राचीन उपनिषदकारों ने भगवान या परमात्मा माना है। कुछ लोगों को भगवान पे विश्वास नहीं होता है, लेकिन एनर्जी को तो ही मानना ही पड़ेगा। एनर्जी का उगम भी नहीं है और एनर्जी का अंत भी नहीं है। ऊर्जा, एनर्जी, ये शाश्वत है। मनुष्य का शरीर भी एनर्जी के कणों कणों से बना हुआ है। हमारी हर एक पेशी, हर एक सेल एनर्जी से भरी हुई है। हर एक सेल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का प्रवाह अविरत चल रहा है। मनुष्य का अस्तित्व ही ऊर्जा है, और इसके इर्द गिर्द भी यही ऊर्जा विद्यमान है, और इसी ऊर्जा को नाम दिया गया है ऑरा। और अब तो ऑरा स्कैनर मशीन द्वारा ये ऑरा मेजर भी किया जा सकता है। ये ऑरा अगर संतुलित रहा तो हमारा अस्तित्व भी संतुलित, हमारा जीवन संतुलित। इसी ऑरा को अबाधित रखने के लिए एक ऑरा रक्षक उपाय बताया गया है, औक्षण या आरती उतारना। किसी का बर्थडे हो, या कोई एग्ज़ाम को जा रहा हो, या कोई किसी इम्पॉर्टेंट काम पे जा रहा हो, तो औक्षण, यह वैज्ञानिक विधि सदियों से किया जा रहा है और आज भी हो रहा है। आरती उतारना यह एक कोई साधारण परंपरा नहीं, इस पूरे प्रोसेस को आप इलेक्ट्रोसोमेटोग्राफिक स्कैनिंग इस मशीन से कंपेयर कर सकते हैं। ये एक ECG मशीन के जैसा स्कैनिंग मशीन है, जिससे शरीर के भी निगेटिव एनर्जी के क्षेत्र को नापा जा सकता है। अब देखते हैं कि औक्षण का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। दीपक की ज्योति की सहायता से परमेश्वर रूपी सकारात्मक ऊर्जा और वाइब्रेशन के पृथ्वी पर पदार्पण के क्षण का स्वागत करना, इससे हमारे चारों ओर एक संरक्षक कवच निर्माण हो जाता है। औक्षण के लिए
क्या सामग्री इस्तेमाल में लें। ऑक्शन की थाली में अपनी बाईं ओर बल देने वाली आदि शक्ति के प्रतीक स्वरूप हल्दी और कुमकुम रखें। अंगूठी एवं सुपारी प्रत्यक्ष कार्य करने वाले शिव का प्रतीक है, उसे अपनी दाहिनी ओर रखें। अक्षत सर्व समावेशक है तो इसीलिए इसे थाली के मध्य भाग में रखें। अक्षत से किंचित आगे मध्य भाग में दीपक रखें। दीपक हमारी आत्मशक्ति के बल पर कार्यरत सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है, इससे हर कार्य सफल होता है। एक्चुअल आरती कैसे उतारें? हर महीने के दुर्गाष्टमी या हफ्ते में एक शुक्रवार हो आप ऑक्शन करा सकते हैं। आपके किसी पास के व्यक्ति से, चाहे आपकी सासू माँ हो, आपके पति हो, या फिर बड़ा बेटा या बेटी, या कोई जो आपसे प्यार करे, आदर करे, उनसे ऑक्शन करवाएं। पीढ़े को रंगोली के साथ सजाकर या कुर्सी पर बैठकर भी ऑक्शन कर सकते हैं। ऑक्शन करने वालों की पांचों उंगलियों की मध्यमा उंगली से गंध और अक्षता कपाल के बीचों बीच आज्ञा चक्र पर लगवाएं। अंगूठी एवं सुपारी को हाथ में लिए आज्ञा चक्र पर टच करते हुए 3 बार घुमाएं और दिए से ऑक्शन करें। ऑक्शन का एक ही गोलाकार फेरा ब्रह्मांड के एक फेरे का प्रतीक है। ऑक्शन से आपका और बेबी का भी ऑरा शुद्ध होता है। बेबी को पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलते हैं, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। तो ज़रूर इस जानकारी का आप लाभ उठाएं, बेबी और अपने भी ऑरा को शुद्ध कीजिए। हमारा शरीर केवल शरीर नहीं, ये है एनर्जी का आलय। चलो ऑक्शन से आबादित रखे ये ऊर्जा का अक्षय वलय। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।